एक कहानी है इम्तियाज जिलानी के दो बच्चों की, जो सुबह से लेकर शाम तक उनकी जिंदगी की दुआएं मांगते हैं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद के रहने वाले इम्तियाज जिलानी के दो बच्चों की मौत हो चुकी है और उनके चार बच्चे एचआईवी से पीड़ित हैं। ये कहानी जितनी भयावह है उतनी ही दर्दनाक भी। ये मामला तब सामने आया जब पाकिस्तान के एक ही शहर में 900 बच्चों को एक साथ एचआईवी पॉजिटिव पाया गया। ये उनके बच्चे थे जो बेहद गरीब थे, जिनके पास दवाओं के लिए पैसे नहीं थे। यही गरीबी उनके बच्चों को जिंदगी और मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। दरअसल इस्लामाबाद में रहने वाले एक छोला छाप डॉक्टर ने अपने इलाज के लिए आने वाले हर मरीज को एक ही सुई से इंजेक्शन लगाया, जिसकी वजह से 900 बच्चे एचआईवी पॉजिटिव हो गए। सबसे बड़ी बात यह रही कि जिस सिरिंज से वो सुई लगाता था उसे वो कचरे से उठा कर लाता था। हालांकि उस डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है, लेकिन जिस तरीके से पूरी घटना घटित हुई उसने हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या कोई डॉक्टर ऐसा भी कर सकता है? क्या कोई इस तरह बच्चों की जान ले सकता है? अब आप अंदाजा लगाइए कि जिस माँ के 6 बच्चे हों और उसमें से 2 बच्चों की मौत हो गई हो और 4 बच्चे एचआईवी पॉजिटिव हों, तो उस माँ पर क्या गुजर रही होगी। हालांकि डॉक्टर ने जो अपने बचाव में तर्क दिया वो और भी चौंकाने वाला था। उसने कहा कि मैं क्या करता जब इनके पास दवाओं के लिए पैसे ही नहीं थे, इसलिए मैंने ऐसा किया, इसमें मेरी क्या गलती है। लेकिन जो उस डॉक्टर ने किया शायद उसे भी इस बात का एहसास नहीं कि उसने क्या किया। हालांकि पुलिस अपना काम कर रही है और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन इस घटना से ये सबक मिलता है कि अगर आप भी सिरिंज या सुई का इस्तेमाल करवाते हैं तो उसे एक बार जांच जरूर लें। अगर हमारा ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। अगर ये वीडियो आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो आप लाइक भी कर सकते हैं।